डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में आज ताबरू बाजार को बंद किया गया है। तमाम व्यापार मंडल के ये लोग हैं जो आज विरोध मार्च निकाल रहे हैं, हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और ये एसडीएम को एक ज्ञापन देंगे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप बताएं कि यहाँ पर जो विरोध मार्च निकालने की क्यों निकाला है। कल डीएसपी साहब की मृत्यु के विरोध में हमारा ताबड़ू शहर पूरा प्रशासन के लिए जो मददगार है हम उनको तैयार है। हम कल भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम जो जैसे कल हत्या हुई है तो हम इसका विरोध पुरजोर से करते हैं। ऐसी समस्या हमारे ताबड़ू में आगे देखने को न मिले, इसलिए हम सारे ताबड़ू शहरवासी गांववासी सभी एक हैं, एक रहेंगे। विरोध नहीं है, ये एक जो है निर्मम हत्या जो कल हुई है उसे ताबड़ू शहर के लोग समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। जो हमारा रखवाला, हमारे क्षेत्र का रखवाला है, उसके साथ अगर इस तरीके के काम होते हैं तो हम आम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन खनन माफिया जिस तरीके से एक्टिव है, कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा? नहीं, पुलिस का खौफ, वो बिल्कुल बेधड़क वहाँ पर गए और किसी ने उनको जो है ट्रक से भरे पत्थरों के ट्रक से कुचल, डंपर से जो है कुचल दिया। तो ये पहले भी उन्होंने पकड़े हैं लेकिन अब की बार क्या हुआ ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से, सरकार से, सभी से ये मांगे कि इसकी जड़ तक पहुँचे। क्या क्या मांग है? मांग है जी, इनको फांसी लगे और जितने भी माइनिंग प्वाइंट है सभी पे BSF तैनात हो जाए। ये उन्हीं से रुकेंगे क्योंकि इतनी फोर्स, पुलिस फोर्स हमारे यहाँ नहीं है कि सारे माइनिंग पॉइंटों पर कवरेज कर सके। हमारे ईमानदार अफसर को निर्भय हत्या कर दी गई, ईमानदारी से काम कर रहा था, ताड़ू के हित में बात कर रहा था, हत्या कर दी उसकी, अन्याय है, अन्याय। तो ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह के हत्या के विरोध में यहाँ पर तमाम जो शहरवासी हैं वो विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का खौफ कम हो गया है और अवैध रूप से माइनिंग की जा रही है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है और आज ताबरू बाजार भी बंद किया गया है। राजू राज, जी मीडिया, ताबरू। और डीएसपी सुरेंद्र कुमार की हत्या के बाद उनके परिवार का क्या कहना है ये भी सुनिए। जो भी सरकार करेगी हमें पूर्ण विश्वास है वो पूर्ण ईमानदारी से, निष्पक्ष ढंग से काम करेगी और चाहे कितना भी बड़ा सरगना इसके पीछे हो, कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी आदमी हो, तो उनको बख्शेंगे नहीं। ये है तो हमें पूर्ण विश्वास है सरकार पारदर्शी तरीके से इसमें काम करेगी और हमारी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। सूचना मिली है कि भी सरकार शहीद का दर्जा देने जा रही है। बेटा है वो विदेश में अभी गया था एक साल पहले। भाई की भरपाई तो कभी नहीं हो पाएगी और ना ही उसका परिवार हम या मेरे गाँव के लोग भूल पाएंगे कि उनका स्वभाव व्यक्तित्व भी ऐसा था। लेकिन अगर वो डीएसपी रैंक पे लगाएगी तो हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे। तो हमारे एक संदेह इस बात का हो रहा है कि भी एक गस्टेड अफसर डीएसपी, मान लो जैसे मीडिया से पता लग रहा है, सोशल मीडिया आप जैसे से, भाई डीएसपी ने खुद रुकवाई गाड़ी, तो क्या मान लो डीएसपी गाड़ी रुकवाएगा तो उनके जो सिपाही हैं, गनमैन हैं, वो क्या करेंगे फिर? उन्होंने क्या किया उन्होंने? और क्या एक गनमैन का, उनका स्टाफ का ड्यूटी नहीं? एक चलो माफिया को रोकना तो दूर की बात है, एक गस्टेड अफसर की प्रोटेक्शन नहीं दे कर सका वो बंदा, कौन था वो जो कांस्टेबल है? मेरी सरकार से गुजारिश है जुडिशियल इंक्वायरी हो या सीबीआई इंक्वायरी हो। पहले लोकल थे तब मेरे साथ फिर भी थोड़ी, भैया बाप ड्यूटी जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे होती थी। अब नू में वहां बदली होने के बाद तो डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता। उन्होंने कभी मेरे को ये तो बताया ही नहीं, भाई वहां इतना खतरा है, ये बात अभी हुई थी, कोई 10 दिन की भी नहीं हुई, अब तय हुआ है। एक जिप्सी में SI और ड्राइवर को टम्पर ने कुचल दिया, इन्होंने पूरी रात उसको, मतलब उनको एडमिट कराया, वो निकाला यूं कह रहे 8 किलो दूर उसको, मतलब वो ले गया घसीट दे। शुक्र है उनकी जान बच गई, उनके बेचारे होंगे भाई आत्मान जो भी टूटा है, मगर बोले जिप्सी तो बिल्कुल कभी ली नहीं लग रहा, बच गए। मन का शुक्र है भगवान का बच गए। राजू राज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। राजू, अशोक कुमार जो कि भाई हैं डीएसपी के, वो कह रहे हैं कुछ सिपाही तो थे नहीं। डीएसपी लेवल का जब कोई अधिकारी वहां पर पहुंचता है उसके स्टाफ, कोई स्टाफ भी होगा, कुछ सिपाही भी होंगे, तो ये जब हो रहा था उस वक्त वो क्या कर रहे थे? वो क्यों सुरक्षा नहीं दे पाए? वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए लगातार परिवार में मातम का माहौल है। जब सुरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे तो उनके साथ 3 लोग और थे, 2 उनके गनर और 1 उनका ड्राइवर। कल हमने उनके ड्राइवर अमित से भी बात करने की कोशिश की लेकिन चूंकि बड़े अधिकारियों का दबाव था इसलिए कैमरे पे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन क्या कर रहे थे, उनकी क्या भूमिका रही, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी जांच लगातार जारी है।
एक आरोपी क्लीनर को गिरफ्तार किया है, ड्राइवर को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरा जो ताबड़ू गांव है, जहां का पचगांव जहां पे ये घटना घटी है, वहां पर आसपास के जो पड़ोसी हैं, गांव हैं, आरोपी के परिवार वाले वो वहां से फरार हो गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अब पूरे शहर में ताबड़ू जो शहर है यहाँ पर आज बंद का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही विरोध मार्च निकाला गया है इनके जो परिजन हैं उनके लिए, कि उनको आत्मा की शांति मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिस तरीके से परिवार सवाल खड़ा कर रहा है कि डीएसपी के साथ उनके टीम मेंबर थे, उनके करीबी लोग थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की, और निश्चित तौर पर इसका सवाल पुलिस प्रशासन के पास होगा क्योंकि इनका बयान भी दर्ज किया गया था।